मैंने आम का पल्प अच्छे से निकाल लिया है। अब हमको इसको आधा आधा करके इसको पीसना है, तो मैं पहले आधा लूँगी, फिर उसके बाद आधा फिर पीसेंगे हम। तो यहाँ मैंने आधा एक एक करके आधा ले लिया है। यहाँ ऐड कर रही हूँ पानी, पीसना स्टार्ट कर दिया है और आधा फिर और लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको फिर पीसेंगे। 3 मिनट ढक्कन लगा लिया है। मैं डाल दूँ इसमें 1 कप चीनी, आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप थोड़ी और चीनी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आधी कटोरी दूध लिया है। यहाँ पे दूध से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसके लिए मैं इसमें आधी कटोरी दूध डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी दूध ले लिया है और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ आधी कटोरी। हमारा आम का रस रेडी है। वाओ, सो यम्मी, देखो कितना अच्छा बनाया हमारा आम का रस। मैं इसको एक बड़े बर्तन में निकालूंगी। तो मैंने यहाँ आम का रस एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर। मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। फिर मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सर्व करने के प्रोसेस में मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं आम का रस निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ सर्व करने के लिए आम का रस ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो मैंने इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा इसमें ऊपर से। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने रख रखे थे सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रेंड्स, हमारा आम रस रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। Right.